देश के 28 बैंकों के साथ एबीजी शिपयार्ड कंपनी द्वारा 22,842 करोड़ रुपए के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दरअसल यह केस 2018 में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अहमदाबाद से सामने आया था और तब देना बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई की तीन अलग अलग शिकायतों पर तीन अलग अलग फैसले दिए गए थे। ट्रिब्यूनल ने बैंकों को एबीजी शिपयार्ड कंपनी से 13,975 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया था। फैसले में यह भी कहा गया था कि अगर रिकवरी ना हो पाए तो कंपनी की चल अचल संपत्ति बेचकर वसूली की जाए, मगर किसी न किसी कारण से बैंक ऐसा नहीं कर सके। नतीजतन यह मामला बढ़ते बढ़ते एसबीआई डीजीएम बालाजी समंथा के पास पहुंचा। समंथा ने 25 अगस्त 2020 को सीबीआई में इसकी लिखित शिकायत की।